नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिनेश लाल निरहुआ को आजमगढ़ से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं जनता का क्या कहना है हम आपको बताएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से दिनेश लाल निरहुआ आजमगढ़ से अखिलेश यादव को चुनौती देंगे। आपको बता दें, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की टिकट पर आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दिनेश लाल निरहुआ भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आजमगढ़ से चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में लोगों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। मैं मोहम्मद इसराइल आजमी, सहायक अध्यापक मदरसा में। यहाँ से अखिलेश यादव के मुकाबले में अगर कोई भी आ जाए तो हमको ये नहीं लगता कि वो इनको कोई नीचा दिखा पाएंगे, इसलिए कि यहाँ की सारी जनता जो है अखिलेश यादव के साथ है। भाजपा प्रत्याशी के बारे में तो यह मुमकिन है कि उनकी जमानत ही जब्त हो जाए। हमको तो ऐसा नहीं लगता, हमको तो ये लगता है जो गठबंधन है, गठबंधन ही यहाँ से चुनाव जीत सकता है। प्रक्रिया ये रहेगी कि वो हराने के लिए आ रहे हैं, जीतने के लिए नहीं आ रहे हैं, हारने के लिए आ रहे हैं। केवल मुलायम सिंह अखिलेश की छक धूमिल करने के लिए आ रहे हैं। ये खड्रंत कूटनीतिक है, कोई राजनीतिक तौर तरीका नहीं है। एक इतने प्रतिष्ठित आदमी को, जो इतने बड़े मुख्य मार्ग को जोड़ा लखनऊ टू गोरखपुर को, अब तक यहाँ चक्रोट नहीं बनवाने आया है, गाढ़ा लोग पाट रहे हैं, आधा गड़बड़ नहीं पता है, और इतने बड़े उसी पर ही लोग माटी पाट रहे हैं। अखिलेश आए तो यहाँ का विकास हुआ, और मुलायम आए तो यहाँ का जन्मदाता का विकास हुआ है। आजमगढ़ में कुछ नहीं था, और आजमगढ़ में अगर वो नहीं आए हैं तो उस उम्र का नेता नहीं आया, लेकिन सारी सुविधा आजमगढ़ के लिए भेज चुके हैं। उनका आना न आना, केवल विकास चाहिए ना, विकास उन्होंने अंतिम कर दिया है, और ये आएंगे 5 साल के बाद बोर कर चले जाएंगे। धन्यवाद। भोजपुरी के स्टार है निरहुआ, तो क्या लगता है कि वह नचिनिया देखी है, उसके बाद वोट ना दी है, अखिलेश के अंत में आई है। अब देखा जाएगा कैसा आदमी है, कैसा बोली भाषा है, तब न किसी को वोटिंग किया जाएगा आपको। बस हम कुछ नहीं जानते जिसके बारे में ना जानते, उसको वोट क्या देना। अरे भाई, अब उसको कैसे दिया जाए, वो नाम भी नहीं सुने थे, निरहुआ। भाई उसके बारे में तो अभी तो लोग जानते ही नहीं यहाँ, बहुत लोग हाँ ये जानते हैं भोजपुरी का वो हीरो है। अब वो यहाँ आवे, प्रचार करे, देखा जाए, उनके बारे में समझा जाए, तब ना समझ में आवे कि हाँ उनको वोट दिया जाए या ना दिया जाए। अब यहाँ से सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो पूर्व के हैं अखिलेश यादव, अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके आगे तो मैं समझ रहा हूँ कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कैसे सर, प्रत्याशी के नाम पे कोई लेबल नहीं है, उनका कोई लेबल नहीं है। अगर बीजेपी को उनके अगेंस्ट किसी प्रत्याशी को खड़ा करना चाहिए था तो उनके लेवल का प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए था, जो राजनीति और पॉलिटिक्स से रहा हो और जिसका लेबल रहा उनके बराबर का। तब तो यहाँ कोई फाइट होने ही वाली नहीं है। कोई ऐसा कोई करिश्मा नहीं होगा सर, ये आजमगढ़ का विकास, आजमगढ़ की जनता और अखिलेश यादव का इतना अच्छा वो रहा है, काम का दौर रहा है उनके गवर्नमेंट में, कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हमें तो ऐसा मुमकिन नहीं, इसलिए कि अगर माननीय प्रधानमंत्री के मुकाबले में सलमान खान आ जाएं तो टिकना नामुमकिन। वो भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का, बहुत हल्का नेता नहीं है, निरहुआ या घुरहुआ, उनके मुकाबले में टिकना मुहाल है। अब वो कोई यहाँ लड़ने के लिए भाजपा से तैयार नहीं थे, लेकिन उसको गवैया और नचनिया को खड़ा किया जा रहा है। वरना हकीकत यह है कि भाजपा में अच्छे अच्छे नेता हैं, लेकिन कोई यहाँ आने को तैयार नहीं है। जैसे गिरिराज सिंह नहीं जा रहे हैं बीगोसरा, अच्छे नेता हैं, उनका स्टेटमेंट बराबर आप सुनते रहते हैं, लेकिन बीगोसरा के बारे में सुन रहे हैं कि उनको भेजा जा रहा है, नहीं जा रहे हैं वो। अब यहाँ के लिए कोई नहीं आने के लिए तैयार है भाजपा से, इसलिए निरहुआ जैसे लोगों को तलाश करके जो खड़ा कर रही भाजपा।
उन अखिलेश यादव बहरहाल अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना एक महत्व है। जैसे माननीय पीएम के सामने अगर सलमान खान या कोई इस किस्म के एक्टर आवे उनको, ये तो असंभव है कि पीएम मोदी को हरा दे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।